हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि हमारा है व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। और फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस का क्या रोल है स्टॉक मार्केट में, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे इसके ऊपर और क्यों ये इम्पोर्टेंट है इतना ज़्यादा कि सारे ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस से ही अच्छे ट्रेड्स लेते हैं। फ्रेंड्स, और टेक्निकल एनालिसिस नॉट जस्ट आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म की जो स्टॉक आप पिकिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक पिक करते हैं उसमें भी टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि आपको कौन से प्राइस लेवल पे बाय करना है स्टॉक को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्किप करके देखते रहेंगे आप तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल मार्केट डाटा इंक्लूडिंग प्राइस एंड वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ये हिस्टोरिकल मार्केट डाटा मतलब मार्केट में जो प्राइस फ्लो रहा है स्टॉक का और उसके वॉल्यूम का, कि कितने वॉल्यूम में कितने बायर्स वहाँ पे आए, कितने सेलर्स आए, कितने ज़्यादा लोगों ने उसको बाय किया और सेल किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, वो हमारा आता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। ओके फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपका ये सारा पार्ट आता है। ओके तो हम इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं फ्रेंड्स। तो हम आगे पूरी वीडियो में जानकारी लेंगे कि इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर ली जाए फ्रेंड्स। तो द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेंड्स हैज़ बीन यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस नॉट जस्ट अभी का है बट 100 ईयर्स से टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ किया जा रहा है स्टॉक मार्केट के स्टडी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम सभी जो ट्रेडर्स हैं या फिर बिगनर्स हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन सभी को टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए फ्रेंड्स। और जोसेफ डे ला वेगा अडॉप्टेड अर्ली टेक्निकल एनालिसिस। तो इन साहब ने इसको सबसे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको अडॉप्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे चल के ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इसने रोल निभाया है स्टॉक मार्केट के स्टडी में। तो टेक्निकल एनालिसिस की मैंने हिस्ट्री बता दी फ्रेंड्स कि 100 ईयर्स से टेक्निकल एनालिसिस यूज़ हो रहा है और आज भी प्रेजेंटली भी टेक्निकल एनालिसिस यूज़ होता है ट्रेडर्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स, व्हाट डज टेक्निकल एनालिसिस टेल यू। अब टेक्निकल एनालिसिस फ्रेंड्स ज़रूरी क्यों है, 100 ईयर्स से ये इसको यूज़ किया जाता आ रहा है, तो ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज फ्रेंड्स, वराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज मिलती हैं टेक्निकल एनालिसिस से। तो फ्रेंड्स, जो स्टॉक आपका चलता है वो कैसे चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करोगे या फिर कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, आपको कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या वॉल्यूम है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रेंड्स कौन बताता है? आपको बताता है टेक्निकल एनालिसिस। आपको कौन से राइट टाइम पे एंट्री करनी है और कौन से टाइम पे आपको एग्जिट करना है फ्रेंड्स, तो आपको कौन बताएगा? ये टेक्निकल एनालिसिस ही बताता है फ्रेंड्स। तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हो जब आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी नॉलेज होती है और आप काफ़ी इसमें प्रो बन चुके होते हो, तो आपको कोई भी इसमें लॉस नहीं होगा फ्रेंड्स अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो। तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज मिलती है, प्राइस एक्शन इन स्टॉक, आपको प्राइस एक्शन पता चलता है स्टॉक का एंड स्टॉक का ट्रेंड पता चलता है फ्रेंड्स कि ट्रेंड बुलिश है या फिर बियरिश है। तो बताओ इम्पॉर्टेंट है कि नहीं फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ये टेक्निकल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा हाउ टू यूज टेक्निकल एनालिसिस। अब हमने जान लिया क्या इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एनालिसिस के, अब इसको कैसे यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसको यूज कैसे किया जाएगा, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड एंड हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर क्या लॉजिक काम करता है टेक्निकल एनालिसिस के पीछे, टेक्निकल एनालिसिस के पीछे लॉजिक फ्रेंड्स ये काम करता है कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, प्राइस मूव करता है ट्रेंड में। अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, और बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बुलिश चल रहा है तो प्राइस ऊपर, अगर नीचे अगर बियरिश चल रहा है तो प्राइस नीचे जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपको हिस्ट्री ट्रेंड टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में एक चीज़ है कि हिस्ट्री अब खुद को रिपीट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब रिपीट कैसे करती है मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फ्रेंड्स, छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज यहाँ पे कोई स्टॉक है, ऐसे करके वो नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर क्या ऐसे करके नीचे आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से वो दूसरी एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार नीचे गया, फिर यहाँ पे आए। तो यहाँ से अब यहाँ पे उसको ऊपर जाने के चांसेस बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, एंट्री करनी है, ना कि एग्जिट करना है। सेल आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या करनी है, एंट्री। तो फ्रेंड्स आपको ये आपको बताता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो ये काफ़ी हद तक एक चीज़ सही होती है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे पहली बार भी गया, दूसरी बार भी गया, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि ये रिट्रेस कर जाए। ठीक है, तो आपको ये कौन बताएगा, टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। टू टाइप, अब यहाँ पे टू टाइप होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। पहला होता है फ्रेंड्स हमारा चार्ट पैटर्न। ओके फ्रेंड्स, तो चार्ट पैटर्न हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं, लाइन बार होता है आपका, कलर बार होता है। जो मेजरली यूज किया जाता है वो होता है आपका कैंडल स्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, जो जैपनीज कैंडल स्टिक है वही हमारा यूज होता है जनरली। ठीक है फ्रेंड्स, जैपनीज कैंडल स्टिक ही हमारा यूज होता है। इस टाइप का आपको कैंडल दिखेगा जिसमें क्या होता है, एक ओपन होता है, एक लो, एक ओपन होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है, एक क्लोजिंग होती है आपको। तो ये होता है आपका जैपनीज कैंडल स्टिक। तो ये वाला जो कैंडल स्टिक चार्ट है वो काफ़ी हद तक यूज होता है ज़्यादातर ट्रेडर्स के द्वारा, और मैं खुद भी फ्रेंड्स जैपनीज कैंडल स्टिक ही यूज करती हूँ। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा टेक्निकल स्टैटिकल। तो फ्रेंड्स ये जो टेक्निकल स्टैटिकल क्या होता है, जैसे आपका सपोज जैसे MACD हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, आपका मूविंग एवरेज हो गया, MA मूविंग एवरेज हो गया, आपका RSI हो गया, जो कि मैथमेटिकली एक बना होता है मैथमेटिकली को देख कर कि कैसे प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्या ट्रेंड में रहेगा, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये आपको MACD, MA, RSI, बोलिंजर बैंड, तो ये सारे मैथमेटिकली प्रूवन होते हैं और बनाए जाते हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे स्टॉक के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ दो बेसिक चीज़ें हैं और दो टाइप हैं टेक्निकल एनालिसिस के, चार्ट एंड टेक्निकल स्टैटिक। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें यूज़ करनी होती हैं अगर आप किसी भी स्टॉक को स्टडी कर रहे होते हो तो। अब फ्रेंड्स अगर आपने मेरा MACD और MA का, MA RSI और कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा तो आप जाके मेरे इसी चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मैंने वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, जो कि अगर आप कहीं बाहर से सीखते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 50K आपका आराम से वो ले लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, तो आप जाइए, नॉलेज लीजिए और ख़ुद को एक्सप्लोर कीजिए फ्रेंड्स, एंड आप ज़रूर ही अच्छा पैसा बनाओगे स्टॉक मार्केट में। अब सबसे पहले आपको क्या करना है पैसा बनाने के लिए, सबसे पहले आपको सीखना है और जाके पैसे बनाने हैं। सबसे पहले सीखिए तभी जाके पैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स चार्ट पैटर्न हमारा क्या होता है, अब चार्ट पैटर्न हमारा बताता है क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरा वो वीडियो जाके देख लें, आपको बेटरली समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बताता है। और टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो स्ट्रेंथ बताते हैं, मोमेंटम बताते हैं,
जैसे कि एमए मूविंग एवरेज, एमएससीडी, आरएसआई, तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? टेक्निकल इंडिकेटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो चीज़ें जो मेजरली हमारी यूज़ की जाती हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो आपको ये तो बेसिक चीज़ फ्रेंड्स ज़रूर ही आना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो। लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, बट आप सभी जानते हैं कि कुछ चीज़ों जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, उसके कुछ लिमिटेशन ज़रूर ही हैं। तो इसके क्या लिमिटेशन है कैन बी मिस इंटरप्रिटेटेड। तो ये काफ़ी हद तक आपको गलत इंफॉर्मेशन एक मिसलीड भी कर सकता है। सपोज आपको जो एमए है, ठीक है, मूविंग एवरेज है, अब हो सकता है कि यहाँ पे वो जो स्ट्रेंथ है वो ना बताए, वो जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे गिर जाए, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न और भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि उसमें स्ट्रेंथ ना हो। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ये बताया बताया है कि आप जो ये टू टाइप हैं, आप उनको दोनों ही मिला के यूज़ करें, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है फ्रेंड्स, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड आपको एमएसीडी, एमए, आरएसआई, तो इन कुछ चार तीन चार चीज़ों के साथ ही आपको ट्रेड में घुसना है फ्रेंड्स, जिससे आप कम से कम एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि स्ट्रेंथ क्या चल रही है स्टॉक में, और आप सही टाइम पे एंट्री कर पाओगे। तो आपको कम से कम तीन इंडिकेटर्स लगा के ही, पूरा उसे क्रॉस चेक करके ही आपको ट्रेड में एंट्री करनी है, जिससे कि आपको मिस इंटरप्रिटेटेड नहीं होगा बिल्कुल भी जो ट्रेड है। आपको आराम से अच्छा खासा यहाँ पे 3 से 4% का मिल जाएगा, 5% का मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको तीन से चार चीज़ें यूज़ करनी है। अब 3 से 4 चीज़ें कौन सी यूज़ करनी है फ्रेंड्स? तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है आपका कैंडल स्टिक। नेक्स्ट, आप जो चार्ट में कैंडल स्टिक लगाओगे, और आप जो आर एस आई लगाओगे फ्रेंड्स, ठीक है, RSI लगाओगे एंड MA MACD लगाओगे और बॉलिंजर बैंड लगाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो चीज़ें हैं आपको बताएंगी कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, और आपको राइट ट्रेडिंग बताएगी, जिससे मिस इंटरप्रिटेटेड का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, एंड यहाँ पे आप अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड ले पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख के लगानी हैं, और आप इससे अच्छा खासा पैसा बना पाओगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आपने अभी तक मेरे साथ ये वीडियो देखते आए हैं। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो इतना ज़रूर है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं ज़रूर से कंट्रीब्यूट करती रहूँगी, और आपके लिए एक अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियोस लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो स्मैश करें लाइक बटन, हिट द सब्सक्रिप्शन बटन, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।